ये अपनी क्रोम की होती है भैया, ये भी ठीक है, ये इम्पोर्टेड चेयर है। नीचे मैश मैश लगे हुए पीछे, आपको गर्मी नहीं लगती इसके अंदर, ठीक है। मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ इस पर, ये 1450 की है। 1450 हाँ जी। नेक्स्ट, ये अपनी पीयू के अंदर है, ये भी क्रोम में होती है, ये भी इम्पोर्टेड है। इसका रेट हमारा 2100 का, 2100 रुपये। हाँ जी, मैं बैठ के दिखा देता हूँ। इसमें जो भैया कलर ऑप्शन कितने हैं? फिलहाल तो ब्लैक ही है। अच्छा, इसके अंदर कलर ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, व्हाइट और ब्लैक के अंदर और अवेलेबल है। हाँ, ये 2100, ये भी 1450 की है। अच्छा, ये भी क्रोम के अंदर ही होती है। ओके, ये अपना बार स्टूल हो गया। अच्छा, ये 1450 का आपको बताया था। हाँ जी, रिवॉल्विंग है, एडजस्टेबल है, ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ जी। ओके, इसमें मैं बैठूंगा, जहाँ एडजस्ट करना चाहो वहाँ एडजस्ट हो जाता है। ओके, कितने का बताया भैया ये? 1450। नेक्स्ट अपना ये बार स्टूल हो गया, ये भी 1600 का है। अगर आप इसमें लोकल लेते हो, उसके अंदर फोम थोड़ी हल्की हो जाती है, थोड़ी क्वालिटी का डिफरेंस आता है। ये 1600 का है? हाँ, वो 14 ये भी हाइड्रोलिक। अच्छा, जैसे एक दो पीस आपसे लेना चाहे कोई रिटेल में, देख कर आए तो आपकी वीडियो देख के आएगा, तो उसके लिए स्पेशल डिस्काउंट कुछ कर देंगे। रिटेल में भी दे दोगे? रिटेल में दे देंगे। ओके, अच्छा भी। नेक्स्ट, ये अपना रेस्टोरेंट में लगती है। और ये कंपनी की चेयर है हमारी, आउटलुक की। ये 600 रुपीज़ की चेयर है। 600 रुपये? हाँ जी, ये भी क्रोम होता है। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट, ये सारे अपने इम्पोर्टेड स्टूल्स हैं, पूरी इम्पोर्टेड स्टूल्स की रेंज है। ये स्टेनलेस स्टील का होता है। कितने का? ये 450 का। ये वाला? ये अपना क्रोम में 400 का। ये 425, वो भी 425। ये भैया जो अपना अभी आपको नीचे टॉप दिखाया था, जो रेस्टोरेंट की टेबल, हाँ, वो ये रेस्टोरेंट की टेबल है। अच्छा, वो ये नीचे का, ये नीचे का हिस्सा है, वो टॉप है। ये कंप्लीट सेट आपका 2100 का है। ओके, ये सारा एसएस है या क्रोम है? ये एसएस है, प्योर एसएस है। हाँ जी। किस रेट का माल है? ये इम्पोर्टेड बार स्टूल होता है अपना, ये लकड़ी में है हमारा। ये 2400 रुपीज का एक पीस है। 2400 का है। इसमें ऐसी क्या खासियत है जो मैं कस्टमर को बताना चाहता हूँ? इसके अंदर पीयू फोम लगी हुई है। पीयू फोम लगी हुई है। और हाँ जी, और ये लकड़ी में है पूरा। अच्छा, इम्पोर्टेड वुड है। नीचे जो है, जो आपका ये एसएस है ना सारा, ये क्रोम है सारा। ये सारा क्रोम है, ये क्रोम है सारा, ये भी इम्पोर्टेड है। नीचे का सारा मजबूत है? नहीं, बहुत मजबूत है सर। अच्छा, और जो पीछे वाला मॉडल है वो कितने का है? ये भी सेम रेट का है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास वैरायटी बहुत है। अच्छा, अभी फिलहाल स्टॉक में नहीं है। ओके, ये भैया चेयर होती है, सोफा चेयर बोलते हैं इसे। अच्छा, ये ऑफिस में लगती है। अच्छा, ये सारा, ये विस्टर की रिवॉल्विंग चेयर है। अच्छा, ये फोम वगैरह लगेगी कंप्लीट? हाँ जी, कंप्लीट होगी। आप रॉ मटेरियल में भी जो है डील करते हो? हाँ जी। अच्छा, और ये वो होगी जैसे नीचे नॉर्मल चेयर्स होती हैं? हाँ जी, हाँ जी, ये बार स्टूल का टॉप है। बार स्टूल का टॉप है। हमारे पास शू रैक, टॉवल स्टैंड वगैरह सब होते हैं। अच्छा, और भैया ये क्या चीज रखी है? ये भी वही है, सोफा चेयर ही है सर। सोफा चेयर बेस होता है, हम इसमें भी डील करते हैं व्हील्स में। ये आपके चेयर के नीचे लगता है, इसी पे चेयर का सब कुछ फिक्स रहता है। ये कितने रुपए का है? ये जो है हम होलसेल में बेचते हैं, वो लगभग होता है 265 रुपीज का। जो ये थोड़ा हैवी में, ये हैवी में, हाँ, पांच वो है। हाँ जी, ये तो नॉर्मली चार आते हैं, चार आते हैं। हाँ, ये चार आते हैं, हमारा हैवी में पांच है। हाँ जी, भैया खाली व्हील्स से ही हो तो? व्हील्स से हो तो व्हील्स भी मिल जाते हैं। 20 रुपीज का एक होता है। 20 रुपीज का? हाँ जी, ये हमारा वो है, हाइड्रोलिक बोलते हैं, ये जो चेयर में लगता है नीचे। अच्छा, जो नीचे की साइड लगता है। हाँ, इससे चेयर एडजस्ट होती है, ऊपर नीचे इसी से होती है। अच्छा, ये कितने रुपए पीस आता है? ये वैसे तो अलग से कोई लेना चाहे तो? ये इम्पोर्टेड होता है, और अलग से अगर कोई लेना चाहे तो ये 180 रुपीज का है। 180 रुपए का? हाँ जी। ये मीडियम क्वालिटी में आता है, हैवी में आता है? ये हैवी में है सर। इससे लोकल में आता है वो 160-150 रुपीज का आ जाता है। ये भी इम्पोर्टेड स्टूल होता है, ये स्टेनलेस स्टील का स्टूल है। स्टेनलेस स्टील का ही? हाँ जी, ये होलसेल में इसकी जो प्राइस है वो 450 रुपीज का है। 450? हाँ जी। अच्छा, और भैया एक एक उसमें कितने पीस आते हैं? एक बॉक्स में 14 पीसेस होते हैं। अच्छा, और लगभग हाइट कितनी होती है इसकी? ये 18 इंचेस होती है। 18 इंचेस? हाँ जी। अच्छा भैया, ये कितने का? ये बार स्टूल का टॉप होता है, ये 1400 रुपीज का है। कम्प्लीट? हाँ जी, कम्प्लीट। और ये 1600 का है। 1600 का? अच्छा भैया, ये वाली चेयर कितने की है? ये रेस्टोरेंट में लगती है ज्यादातर, ये आपकी 550 की है। 550 रुपए? हाँ जी। ये क्रोम है या स्टेनलेस? ये क्रोम है। ये क्रोम है। अच्छा, इसमें अगर स्टेनलेस स्टील ले चलते? स्टेनलेस स्टील आपको मिलेगा सर, वो फिर ऑर्डर पे बनता है। 250 रुपए किलो होता है, एसएस होता है, वो प्योर स्टेनलेस स्टील होता है। 202।
अच्छा, वो लगभग चेयर ऐसी कंप्लीट कितने रुपए की पड़ जाती है? वो लगभग कंप्लीट चेयर आपकी सर पड़ जाती है 700 से 750 के अराउंड। ये रेस्टोरेंट का टॉप है जो टेबल के ऊपर लगता है। हाँ, टेबल के ऊपर। अच्छा, हाँ, ये वो है। ये कितने रुपए का पीस है? ये वैसे तो 150 रुपए फुट के हिसाब से बेचते हैं हम। अच्छा, लेकिन पूरा पीस कितने का है? पूरा कंप्लीट टेबल रेस्टोरेंट की अगर आप हमसे लेते हैं क्वांटिटी में तो वो 2100 की पड़ेगी आपको। 2100। हाँ जी, नीचे स्टेनलेस स्टील का। क्या रहती है इसकी? इस पे कोई पानी वानी गिर जाए, कुछ हो जाए लकड़ी पे, तो कोई असर नहीं पड़ता। ये पोस्ट फॉर्मिंग टॉप होता है। ये है क्या, प्लास्टिक है, क्या चीज है? ये पोस्ट फॉर्मिंग शीट होती है, टॉप होता है। हाँ जी। अभी आप नेक्स्ट आइटम क्या दिखाने वाले हैं? ये बेड टेबल ही है, ये भी बड़ों के लिए, पीजी वगैरह में। जो नीचे आपको फट्टा दिखाया था इसका टॉप, ये कंप्लीट है। अच्छा, तो इसका क्या प्राइस होने वाला भैया? ये 170 रुपीज की है होलसेल में। 170। ये भी कम्बोर्ड के लिए होता है, उसी के लिए यूज होती है। ये भी स्टूल है। चेयर हो गया, वो चेयर थी, ये स्टूल है। ये अपना 300 का आता है, ये भी फोल्डिंग में है। एक पीस जो होता है 450 रुपीज का है। 450। हाँ जी, फर्स्ट में होता हैवी पीस है। और किस में भैया? फाइबर में। ये फाइबर में होता है। ओके। ये कम्बोर्ड चेयर होती है। अच्छा, ये भी फोल्डिंग होती है, जैसे जो बहुत बुजुर्ग होते हैं घर में बैठ नहीं पाते। अच्छा, पॉटी वगैरह? हाँ, इस पे कर सकते हैं आप। इसके नीचे एक पॉट भी लगता है। अच्छा। हाँ, उसके चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं। अच्छा, ये लगभग कितने रुपए की पड़ती है? ये 400 रुपीज की पड़ती है आपको होलसेल में। और जो नीचे का आप बता रहे हो अलग से, वो 50 रुपीज का होता है पॉट। 50 रुपए का? हाँ जी। टोटल 500 रुपए का सेट। 450 का। 450 का कंप्लीट। हाँ जी। ओके। और भैया, और वैरायटी भी आती है? एक ही वैरायटी? और वैरायटी आती है इसके अंदर। ये सबसे हल्की है या बढ़िया में है? ये बढ़िया में है, इससे हल्की आती है। फिर इससे हल्की वाली कितने की आती है? वो लगभग आपकी 250 से 300 रुपए से शुरू हो जाती है, लेकिन हम वो ज्यादा प्रेफर नहीं करते क्योंकि उसमें चोट लगने, क्योंकि हाँ वो टूट जाती है। हाँ, टूट जाती है जल्दी। और ये सही चलती है? ये सही चलती है। ये जो उस पर लगती है अपना क्या नाम, बच्चों के लिए है आइटम, स्टैंड पे लगती है। बच्चों का टेबल? हाँ, बच्चों का टेबल। इस पे बैठ के पढ़ लो, खा लो, बच्चे मतलब बेसिकली बच्चे के लिए ही है। ये एक पेटी में कितने पीस आते हैं? ये एक में 25 पीसेज आते हैं होलसेल में। एक पीस कितने रुपए का पड़ता है? 100 रुपीज का अगर आप होलसेल में लेते हो तो। अच्छा, और लगभग ये कितने रुपए का बिक जाता है मार्केट में? मार्केट में ये अगर आप रिटेल में बेचना चाहो तो आप जितने जिससे ले लो, वैसे तो 150-200 ऐसे बिक जाता है रिटेल में। अच्छा, और ये भैया सेम चीज है जो इधर रखी हुई है? हाँ जी, ये सेम चीज है, ये बड़ों के लिए है, जैसे जो पीजी वगैरह में होते हैं। अच्छा, उनके लिए वो ज्यादा ऐसे बच्चों वाला पसंद नहीं करते। अच्छा, ये पीवीसी है? नहीं, ये माइका लगी होती है ऊपर। अच्छा, सनमाइका लगा? हाँ, सनमाइका लगा हुआ। सर, ये किस रेट का? ये है आपका 85 का। 85 रुपीस का। हमारे पास होता है बेसिकली बेड टेबल, बच्चों की डॉक्टर स्टूल हो गए, 3 सीटर एयरपोर्ट वेटिंग चेयर वगैरह जो होती हैं। अच्छा। जो हॉस्पिटल्स में भी लगती हैं। अच्छा। वो सब कुछ होता है हमारे पास, इम्पोर्टेड जो मांगो आप सब दे देंगे। इस वाली माल आपका कहाँ जा रहा है लोड होके? ये राजस्थान जा रहा है भैया। इसमें क्या क्या माल जा रहा है राजस्थान? इसमें हमारा ऑफिस फर्नीचर का काम होता है बेसिकली। और ये मंदिर वगैरह होते हैं, जैसे भी पार्टी की डिमांड आती है फिर उस हिसाब से हम लोग वो करवा देते हैं अवेलेबल। कोई अगर राजस्थान में बहुत कम क्वांटिटी में माल लेना चाहे तो भिजवा देते हो? भिजवा देंगे, वैसे हम होलसेल में ही डील करते हैं। आपका ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्ट है? ऑल ओवर इंडिया माल हमारा सप्लाई जाता है। अच्छा, तो भैया आपके पास क्या क्या आइटम है थोड़ा दिखाओगे? जैसे कि ये माल लगा हुआ है, इसमें क्या क्या चीज़ें ला दी गई हैं ऊपर की साइड? इसके अंदर हमारा इम्पोर्टेड फर्नीचर है। अच्छा, ऑफिस का? अच्छा, और अपना बच्चों का सामान होता है इम्पोर्टेड का, बेड टेबल वगैरह जो हो गई। अच्छा, और अपना सारा रेस्टोरेंट वगैरह का सामान जीएसटी पेड भी लो, सब जीएसटी होता है।